हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स अड्डा पे। तो हमारा ये SSC CGL 2023 टीयर 1 का ये सिनोनिम्स एंटोनिम सीरीज का ये चौथा वीडियो है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है सिनोनिम बताना है, नीचे दिए गए अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। पूरा सेंटेंस है, ही इज़ वेरी ईगर टू ज्वाइन द एयरफोर्स। तो ईगर का मतलब होता है दोस्तों उत्सुक, यानी वो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो हमें उत्सुक का यहाँ पे सिनोनिम बताना है ईगर का। तो चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है अनकंसर्न। अनकंसर्न का मतलब होता है बेपरवाह, उदासीन, यानी नॉट इंटरेस्टेड। तो ये नहीं होगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कीन। कीन का भी मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। ऑप्शन तीसरा है इरक्सम। इरक्सम का मतलब होता है इरिटेटिंग, दुखदाई, कष्ट देने वाला। तो ये नहीं होगा हमारा। और चौथा ऑप्शन है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, सस्पिशन, संदेह। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में भी आपको सिनोनिम बताना है। नीचे दिया गया वर्ड है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है उबाऊ, थकाने वाला। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हमारे पास कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है टायरसम। टायरसम का मतलब होता है थका देने वाला। तो ये पहला ऑप्शन ही लग रहा है कि हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। होलसम। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक खाना, पौष्टिक भोजन। ठीक है, और दूसरा ये तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मतलब कोई चीज़ जो बार बार आता है, रिपीट करता है। तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है थ्री स्कोर। थ्री स्कोर का मतलब होता है 60, यानी 60। थ्री मतलब थ्री, स्कोर का मतलब होता है 20। तो थ्री स्कोर यानी 60 हो जाएगा आपका। तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है हमारा टायरसम, यानी थकाने वाला, उबाऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम बताना है काम डाउन का। पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है उकसाना, उत्तेजित करना, किसी को क्रोधित कर देना। तो यहाँ पे देखिए काम डाउन यानी शांत करना, और एजिटेट मतलब इस क्रोधित करना। तो ये इसका एंटोनिम राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन का क्या मीनिंग है देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम बताना है हमें डेलीगेट शब्द का। डेलीगेट का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। पहला मीनिंग हो जाएगा किसी को कोई चीज़ सौंपते हैं, किसी को कोई कार्यभार देते हैं, किसी को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं डेलीगेट। तो ऑप्शन देखते हैं क्या मतलब हो सकता है सारे ऑप्शन का। हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिप्यूट। डिप्यूट का ये सिनोनिम हो जाएगा। डिप्यूट का भी मतलब होता है कार्यभार सौंपना, किसी को देना। रिटेन का मतलब होता है रखना, यानी देना नहीं, अपने पास रखना। तो ऑप्शन है नोमिनेट, और चौथा ऑप्शन है अपॉइंट। तो देखिए सारे ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन का सेम मीनिंग है, किसी को नोमिनेट करना, कार्यभार देना। ठीक है, और ये चौथा, ये जो दूसरा नंबर ऑप्शन है रिटेन, यानी अपने पास रखना। तो इसका एंटोनिम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये जो तीनों ऑप्शन है सबका सेम मीनिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें से पूछा गया है सिनोनिम बताना है वेंडेटा। वेंडेटा शब्द का सिनोनिम बताना है। वेंडेटा का मतलब है दुश्मनी, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, है ना। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है पैशन। पैशन मतलब अभिलाषा, चाहत। ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है डिलेमा, यानी दुविधा। ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है डिसएग्रीमेंट, कलह, लड़ाई, झगड़ा, असहमति। तो ये अब इसका हो सकता है। चौथा ऑप्शन है वेसिलेशन। वेसिलेशन का मतलब अस्थिरता, मानसिक रूप से अस्थिर होना, अलग अपने डिसीजन पे स्थिर ना रहना, कंफर्म नहीं रहना। तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द थिंग इन लाइफ आर ट्रांजिएंट। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट जो वर्ड है इसका हमें एंटोनिम बताना है। ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक, कह रहा है कि जीवन में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो क्षणिक होती हैं, मतलब थोड़े समय के लिए ही रहती हैं, लास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड। तो ट्रांजिएंट का यहाँ पे हमें एंटोनिम क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है परमानेंट, जो हमेशा के लिए रहती हैं, तो यही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बोरिंग, उबाऊ। तीसरा है फ्लिटिंग। फ्लिटिंग का मतलब होता है क्षणिक, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। चौथा है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब है विषैला। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, एंटोनिम बताना है इनेट शब्द का। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जन्म से ही कोई चीज़ जो हो।
तो पहला ऑप्शन है नेचुरल, नेचुरल इसका सिनोनिम हो जाएगा, नेचुरल का मतलब ये है जन्मजात स्वतः, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है लर्न, लर्न मतलब जब सीख के चीज़ों को हासिल करते हैं, पढ़कर के नॉलेज प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं लर्न्ड, तो ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, एक्वेटिक मत होता है जलीय, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, मतलब रिलेटिंग टू वाटर, जल से संबंधित कोई चीज़। रिप्लेस का मत होता है बदलना, प्रतिस्थापित करना, एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ रखना, तो ये नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, लर्न, लर्न मतलब सीखा हुआ, सीख कर हासिल किया हुआ, और इनेट का मतलब जन्मजात, शुरू से ही जो चीज़ें आपके पास हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय पॉजिटिव मैनर में होता है इसका मतलब। अब कोई ऐसा चीज़ है जो काफ़ी आश्चर्यजनक हो, देख के विश्वास ही नहीं हो, है ना, तो उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। अब हमें इसका बताना है सिनोनिम, सिनोनिम रियलिस्टिक यानी वास्तविक, रीजनेबल, तार्किक, ये दोनों एक हद तक सिनोनिम है दोनों, रियलिस्टिक और रीजनेबल। अनअचीवेबल जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर चार जो है अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सिनोनिम बताना है अडामेंट, अडामेंट शब्द का सिनोनिम बताना, अडामेंट का मतलब होता है दृढ़, अटल, हठी, जिद्दी। अब इसका पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लचीला, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अडेप्टेबल, अनुकूल बनाने योग्य। तीसरा ऑप्शन है स्टुबर्न, स्टुबर्न मतलब जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, हट्टी होता है, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, हमारा राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं सॉफ्ट, मुलायम, सॉफ्ट का मतलब है मुलायम, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और एक अंडरलाइन वर्ड है एब्सर्ड, एब्सर्ड का एंटोनिम पूछा गया, एब्सर्ड का मतलब है बेतुका, असंगत, इररेलीवेंट चीज, अनरीजनेबल चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है एब्सर्ड का एंटोनिम। पहला ऑप्शन है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक, रीजनेबल, तो ये इसका तो एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, एरी, एरी का मतलब क्या होता है, एरी का मतलब होता है भयानक, डरावना, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है ऑड मतलब विषम, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एंटोनिम बताना है क्लैंडेस्टाइन का, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट। चलिए पहला ऑप्शन है स्नीकी, स्नीकी का मतलब होता है डरपोक, तो ये नहीं होगा। प्राइवेट का मतलब होता है निजी, गुप्त, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी, तो ये भी नहीं होगा। और नोन का मतलब होता है चिन्ह, परिचिन, जाना हुआ, परिचित, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा नोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम बताना है, वर्ड है रैंडमली, रैंडमली का मतलब है जैसे तैसे, बिना किसी सिस्टम के, बिना। हमें पहला ऑप्शन ही सिस्टमेटिकली है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन पहला है कैजुअल, कैजुअली का मतलब होता है अचानक से, मतलब संयोग बस किस कोई चीज़ होना, इंसिडेंटली, अनविलिंगली, इन तीनों का मतलब होता है संयोग बस चीज़ों का होना। इंसिडेंटली का मतलब थी अचानक से टकरा जाना, किसी का मिल जाना इत्तेफाक से, अनविलिंगली का मतलब थी अनजाने में, ना चाहते हुए भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथेंटिक, और हमें ऑथेंटिक का बताना है सिनोनिम, ऑथेंटिक का मतलब है रियल, वास्तविक चीज़, ठीक है। पहला ऑप्शन है फाल्स, नहीं होगा, क्योंकि इसका एंटोनिम है करप्ट मतलब भ्रष्ट, ये भी नहीं होगा। डाउटफुल मतलब संदिग्ध होता है, सस्पिशियन, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब है रियल चीज़, वास्तविक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड है ट्रीचरस, ट्रीचरस का मतलब होता है धोखेबाज, पाखंडी। पहला ऑप्शन हमारा डिवोटेड मतलब भक्त हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी लॉयल व्यक्ति, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है रावेनस मतलब पेटू होता है, भयंकर होता है, खूंखार होता है, भुखमरा होता है, है ना, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है डिसलॉयल का मतलब धोखेबाज, तो ये हो जाएगा पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एंटोनिम बताना है ब्रिस्क वर्ड का, ब्रिस्क का मतलब है तेज। पहला ऑप्शन है स्लो,
आती है, इसका एंटोनिम हो जाएगा राइट आंसर। बाकी का ऑप्शन देखते हैं, लेट नाइट, डस्की का मत होता है अंधेरा, क्विक का मत होता है तेज, तो सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा कि एंटोनिम, तो ऑप्शन नंबर एक है जो स्लो वो हो जाएगा। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्शियल का हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। पार्शियल मत होता है पक्षपातपूर्ण, किसी का पक्ष लेना। तो पहला ऑप्शन है हमारा अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब है निष्पक्ष, बिना किसी के पक्ष में, ना ही किसी के फीलिंग, शब्दों या किसी भी चीज़ से न प्रभावित होते हुए। तो अनबायस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी का ऑप्शन देखते हैं, अनजस्ट, अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय, जस्ट मतलब होता है न्याय और अनजस्ट का मतलब न्याय, अनुचित चीज़, अनफेयर। तीसरा ऑप्शन है प्रिजुडाइज्ड, प्रिजुडाइज्ड पार्शियल का सिनोनिम हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है पक्षपात, तो ये भी नहीं होगा। डाउटफुल मतलब होता है संदिग्ध, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सिनोनिम बताना है फॉलो, फॉलो का मतलब अनुकरण करना, किसी को अनुकरण करना, किसी के रास्तों पर चलना। तो पहला ऑप्शन है हमारा इमुलेट, इमुलेट का भी मतलब होता है अनुकरण करना, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के देख लेते हैं, चेरिस, चेरिस का मतलब होता है पालना पोसना, किसी को पालना पोसना, पोषण करना, तो ऑप्शन नंबर दो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, रिवार्ड का मतलब होता है पारितोषक देना, किसी काम के या अचीवमेंट के बदले में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे बोलते हैं रिवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम बताना है ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब है तुच्छ, छोटी चीज़ कोई, जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो, वैल्यू ना हो, है ना। तो पहला ऑप्शन है होपफुल, होपफुल मतलब होता है आशावान, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है फियर्स, मतलब भयानक, खतरनाक, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कॉमन यानी साधारण, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला चीज़, इम्पॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है एंटोनिम एबेट शब्द का, एबेट शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की तीव्रता का कम होना, एबेट मतलब होता है कम होना या कम करना, तो हमसे एंटोनिम पूछा गया। लेकिन पहला शब्द देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा सबसाइड, सबसाइड का मतलब होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा, सबसाइड का भी मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, इंटेंस यानी तीव्रता को, क्रोध को, वायलेंट को कम करना, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है लेसन, लेसन का भी मतलब होता है कम करना, ये भी नहीं होगा। सस्टेन का मतलब होता है निर्वाह करना, किसी चीज़ को बनाए रखना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना, तो ये हो जाएगा पक्का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर। चलिए 20 लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमें बताना है एंटोनिम एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो स्वीकार करने का हमें एंटोनिम बताना है, रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी का ऑप्शन का क्या मीनिंग है ये देख लेते हैं, बिलीव मतलब विश्वास करना, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, एग्रीड का मतलब है सहमत होना, ठीक है। तो होप करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जहाँ भी आपको कहीं कुछ डाउट हो या कोई इशू हो तैयारी के बारे में या कोई स्ट्रेटजी वगैरह कुछ जानना हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा, कोशिश करेंगे उसका हम रिप्लाई करें। और दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, काफ़ी टाइम भी लगता है, तो आपसे बस एक छोटी सी चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।